आ गए तो वंस अगेन अपनी अचार 15 में आप सभी का स्वागत है और स्वागत करना बनता है अपनी फैमिली का। तो आप सभी का स्वागत है और कमेंट करके बता दीजिए आपके जो लंबे चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। और हर रोज इस टाइम टेक न्यूज सीरीज के अंदर आप सभी हमारे साथ जुड़ते हैं और आपस में बातें करते हैं, एक तरीके से हम आपको इन्फॉर्मेशन भी बताते हैं बहुत सारी, ताकि आप दुनिया के साथ चल सकें कंधे से कंधा मिलाकर। टेक न्यूज रिगार्डिंग वीडियोज आती रहती हैं, और अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर चाहिए वीडियो तो कमेंट डिवाइड डिमांड एंड प्रोवाइड, ये हमने कुछ सीरीज चालू की है, आप डिमांड कीजिए हम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और उसी के साथ साथ आपका दिमाग ज़्यादा ख़राब नहीं करते और सीधा चलते हैं आज की पहली टेक न्यूज़ की तरफ। आज की शुरुआत ओप्पो के साथ। ओप्पो जल्दी अपना एक नई गोली, इतनी गोली नहीं, इतनी बड़ी वाली गोली जो टैबलेट होते हैं, तो वो जल्दी करने वाला लॉन्च, क्योंकि आज इंडिया की बेस्ट डिवीजन के ऊपर हो चुका है ओप्पो का पैड एयर लॉन्च, मुकुल शर्मा जी ने ट्वीट करके बता दिया था। यस, और उसी के साथ साथ इसके अंदर के जो थोड़े से होते हैं स्पेक्स, उसके भी रूमर्स बाहर निकल के हैं। इसके अंदर होने वाला है स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर, जो कि कह सकते हैं डिसेंट, हाँ भाई डिसेंट है। और उसी के साथ साथ इसके अंदर है 2K की डिस्प्ले, जो कि मुझे अगर ये पर्सनली आती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसी के साथ साथ बैटरी के अंदर भी थोड़ी सी बताई देते हैं, 8000 mAh की बैटरी, जो कि लगभग सभी टैबलेट्स के अंदर आते हैं, तो ठीक ठाक सारी चीज़ें हैं। और बाकी प्राइसिंग क्या होती है तो आने के बाद ही पता चलेगा, तो करिए वेट। और आप ओप्पो के इसका इंतज़ार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये भी बता दीजिए, हम तो नहीं कर रहे क्योंकि प्राइसिंग थोड़ी सी हाई हो सकती है, ओप्पो वाले हैं कुछ भी कर सकते हैं। लावा की तरफ से गर्मा गर्म न्यूज़ निकल के आ रही है कि लावा भी शायद से अब अगला ट्रेंड लेके आ सकता है, जैसे कि रेडमी वालों ने लेके आया था 48 मेगापिक्सल सस्ते के अंदर, तो उसी टाइप में शायद से लावा वाले भी ला सकते हैं, क्योंकि लावा की तरफ से एक लावा ब्लेज नाम का फ़ोन आया निकल के, और इसकी जो प्राइसिंग बताई जा रही है वो है 10,000। मेन फीचर ये नहीं कि 10,000 का है, मेन फीचर ये है कि इसके अंदर 5G होने वाला है, 5G अंडर 10,000। यस, और उसी के साथ साथ ये इसका थोड़ा सा बैक टाइप का जो डिज़ाइन है वो बाहर निकल के आ चुका है, ड्यूल कैमरा दिख रहा है सेटअप है, और बैक ग्लास बताया जा रहा है, और उसी के साथ साथ फ्रंट भी थोड़ा बहुत आगे से दिखा रहे हैं इसके अंदर, तो कुछ ये न्यूज़ निकल के आई है। और बाकी इसके अंदर क्या स्पेक्स होंगे, तो 5000 mAh की बैटरी भी बताई जा रही है, ये बोल गया चलो 5000 mAh की बैटरी भी होगी इसके अंदर, और बाकी कुछ स्पेक्स का नहीं पता है। प्राइसिंग 10,000 के अंदर किस तरह मैनेज करेंगे, स्नैपड्रैगन का होगा, डोमेस्टिक का प्रोसेसर होगा, यूनिसोक का प्रोसेसर होगा, कौन सा होगा, 5G का प्रोसेसर, ये अभी के लिए कंफर्म नहीं है। बाकी ये कुछ न्यूज़ निकल के आ चुकी है 10,000 के अंदर 5G फोन, नया ट्रेंड। क्या फ्यूचर के अंदर टर्मिनेटर होंगे जो कि AI बेस्ड होंगे, अपने आप मर्जी से चलेंगे मशीन्स, तो शायद ये हो सकता है, क्योंकि गूगल कुछ टाइम पहले तक अपने एक AI के ऊपर काम कर रहा था, लामडा AI। यस, तो अब अंदर से न्यूज़ निकल गई कि गूगल के अंदर से कि अब वो इतना समझदार हो चुका है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, खुद सारे डिसीजन खुद ले सकता है। और AI में बता दूं आप सभी को, जिन लोगों को नहीं पता, कि AI वो चीज़ होती है जो कि एक सॉफ्टवेयर टाइप में होता है, और जो भी आप करोगे उसके साथ या फिर वो देखेगा तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, मतलब कि उसको जाँचने परखने लगेगा, तो ये कुछ इस टाइप में AI होता है, और टर्मिनेटर के अंदर भी यही था। बाकी फिलहाल के लिए न्यूज़ निकलेगी कि उस AI ने अपना खुद का अटर्नी हायर कर लिया है, यस मतलब कि लॉयर होता है, तो वो हायर कर लिया, जब भी आगे कोई केस होगा या कुछ भी होगा तो वो उसकी तरफ से केस को लड़ेगा, बाकी आगे जाकर उसके अंदर इतना दिमाग हो जाएगा कि खुद भी केस लड़ सकेगा, फिलहाल के लिए उसने ये चीज़ कर दी है और आगे हमें संभल के रहना होगा। बताइए एक बार कमेंट करके कि आगे क्या कुछ हो सकता है। ओला भाई साहब, जिन लोगों ने ओला यूज़ कर रखा है एक बार कमेंट करके बताइए। तो ओला की तरफ से एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया के अंदर वो अपनी अगले साल 2023 के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने वाले हैं, मतलब कि 23 के अंदर नहीं आई तो 24 के अंदर तो आराम से आ जाएगी, तो उसके थोड़े से फोटोज़ टाइप में बाहर निकल के आ चुके हैं, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ओला लिखा हुआ है, फिलहाल के लिए रूमर्स मान लीजिए एक पेज। बाकी इन्होंने स्विच तो कर दिया है फोर व्हीलर के ऊपर,
बाकी देखते हैं कि आगे जाकर इसकी जो गाड़ी होने वाली है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होंगे। एक्सयूवी और सेडान के अंदर बताया जा रहा है कि इस दो टाइप की गाड़ी ये लॉन्च करेंगे और जल्दी हमें इनके ऊपर बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। क्या रेंज होगी, क्या कुछ स्पीड होगी, क्या कुछ होगा, ये तो आएंगे तब बताएंगे। इंडिया के अंदर VPN और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर फंदा कसा जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक नोटिस भेज दिया है कि कोई भी अब से VPN को यूज़ नहीं करेगा और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कोई भी यूज़ नहीं करेगा, ना ही क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करेगा जो कि बाहर की यूज़ होती हैं, मतलब इंडिया से बाहर की। तो इन चीज़ों को कोई भी यूज़ नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, सेंड करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तो इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेगा। सीधी सीधी मुंह पर ये बात कह दी है सभी को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है सरकार तो मे बी फ्यूचर के अंदर हम सभी के लिए भी हो सकता है। बाकी ये चीज़ें ठीक भी हैं क्योंकि बहुत सारी इलीगल चीज़ें इन्हीं के ऊपर होती हैं तो सरकार एक तरीके से सही कदम भी उठा रही हैं। मैं VPN का खुद भी यूज़ करता हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए, मगर आगे फ्यूचर के अंदर VPN का इंडिया के अंदर क्या फ्यूचर होगा ये तो टाइम के साथ पता चलेगा। 5G के रिगार्डिंग बहुत सारी गुड न्यूज़ निकल के आ रही हैं और जुलाई के अंदर इसका स्पेक्ट्रम का ऑप्शन भी है। उसके बाद में बताया जा रहा है कि अगस्त और सेप्टेम्बर के अंदर इंडिया के अंदर फर्स्ट फेज़ के अंदर लगभग 5G आ जाएगा। उसके बाद के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि 5G जो प्राइजिंग है इंडिया के अंदर की वो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबली मार्केट है तो उससे बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है, मच कम होने वाली है, ये खुद गवर्नमेंट IT मिनिस्टर ने कहा है। और उसी के साथ साथ जो पहली 13 सिटीज़ निकल के आ चुकी है जिसके अंदर ये फर्स्ट फेज़ के अंदर होगा, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, पुणे, चेन्नई, गांधीनगर, जामनगर और मुंबई, अहमदाबाद एंड चंडीगढ़, कुछ इस ये होंगे जिनके अंदर फर्स्ट फेज़ के अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ 5G के अंदर की स्पीड जो है वो थोड़ी सी अच्छी बताई जा रही है। फिलहाल के लिए 4G के अंदर एवरेज निकल के आ रही थी पीछे 2021 के अंदर 14 MB के आसपास और इसके अंदर लगभग ये बताया जा रहा है कि 50 MB के आसपास हमें देखने को मिल सकती है और प्राइसिंग अगर होगी लो तो लगभग सभी के सभी 5G के अंदर स्विच कर जाएंगे क्योंकि यार सभी को स्पीड पसंद है। 4G के अंदर टसक टसक के चलता है और 5G के अंदर इतनी स्पीड मिलती है हमें तो वाईफाई भी हटवा देंगे, सब कुछ कर देंगे यार और लेंगे 5G की मौज। बाकी फिलहाल के लिए ये न्यूज़ है। आज की सबसे इंटरेस्टिंग और लास्ट न्यूज़, आज की लास्ट न्यूज़ निकल के आ रही है जानू बेबी सोना के घर, मतलब व्हाट्सएप की तरफ से। तो इसके ऊपर से एक तगड़ी और इंटरेस्टिंग नया फीचर निकल के आने वाला है, फिलहाल के लिए बीटा वर्जन के अंदर है। व्हाट्सएप जल्दी अपने जो वो है मतलब कि अपने अंदर लेके आने वाला है जहाँ पर आपको फोटोज़ दिखती है ना किसी की भी, तो उसी के ऊपर आपको अब से स्टेटस देखने को मिलेंगे जो कि आप साइड में करके स्क्रॉल करके और फिर जाके आपको देखना पड़ता था ढूंढ कर, तो वो झंझट खत्म हो जाएगी। फोटोज़ के ऊपर क्लिक कीजिए जैसे कि आप इसके अंदर है इंस्टाग्राम के अंदर देखते हैं तो सेम टू सेम वैसा ही है, बाकी दोनों के दोनों भाई बहन ही हैं एक टाइप से। तो वो फीचर अब इसके अंदर आने वाला है जल्दी ही और कितना ज़्यादा यूजफुल होगा तो जानू भी सुना बता दीजिए। बाकी बताइए एक बार कमेंट करके कि कौन कौन इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा है। फिलहाल के लिए बिट्टा है और जल्दी हमें मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो आई है पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ठोक दीजिए, बस इतना ही कर दीजिए, इतने में ही छक जाएंगे।